कुछ नए किरदार दोबारा हमारे साथ हाजिर है, तो आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह का एक स्पाइस ऐड करने वाले हैं शो में, क्योंकि महिलाएं जब होती हैं तो एक अलग ही तड़का ऐड होता है शो में। कैसा तड़का? मतलब बहुत ही ज़्यादा तीखा तीखा तड़का कैसा कि और टेस्टी बनाने वाला मज़ेदार तड़का। एक्चुअली मेरा तो कैरेक्टर दादी का है, जो श्लोक है तो उसकी दादी का कैरेक्टर है मेरा, और मीत हमारे पास बहू बन के आएगी, तो मैं तो जैसे परमानेंट दादी होती है, हैप्पी गो लकी टाइप की। और मुझे लगता है सारी दादियाँ अपने पोतों को चाहती है, और ये मेरी बहू है, ये पूनम। पूनम और सास बहू का तो रिलेशन बहुत क्यूट सा है, जो हमेशा होता है कि नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है ना कि बड़ी है तो रिस्पेक्ट भी है और गुस्सा नहीं आता है मुझे कभी, और वो भी ऐसे नहीं डांटती है, वो जो प्यार वाला गुस्सा होता है ना वैसे होता है। और श्लोक और मैं बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि श्लोक समझता है कि माँ ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, वॉट शी हैज़ गॉन थ्रू, तो एक अलग सा ना बहुत क्यूट सा एक अच्छा सा बॉन्ड है मेरे और श्लोक के बीच में। और मैं भी राह देख रही हूँ कि भाई मेरे बड़े बेटी की शादी हो गई है, तो श्लोक इतना अच्छा है, उसे कौन मिलेगी जो श्लोक को समझेगी, जो श्लोक से प्यार करेगी, उसे रिस्पेक्ट करेगी, तो मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मेरे श्लोक का ध्यान रखेगी। और मैं आई एम वेटिंग कि ऐसी कोई बहू आ जाए, तो अभी देखना है कि सुमित क्या वैसी बहू है जैसे मैं चाहती हूँ। और बस हमारे घर में भी ऐसे कोई ग्रे कैरेक्टर नहीं है, सब लोग एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं, जैसे एग्जैक्टली और जैसे ना घर पे होता है ना कि कभी कोई रुस्वे शिकेश जैसे हो जाता है, हाँ वो तो वो वैसे सब है हमारे घर में। सो हर कोई ना किसी ना किसी कैरेक्टर से रिलेट करेगा, अरे मैं इसके जैसा हूँ, अरे मेरे लाइफ में भी ये हुआ है, सीधी सादी जिंदगी है हम लोगों की। सो इट्स लाइक ना हमें तो बहुत मजा आ रहा है करने में, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी देखने में आई होप कि आप हमें भी उतना ही पसंद करें जितना पहले के कैरेक्टर्स को पसंद किया था। ऐसे में सास बहू और बेटिया की टीम आज आपके साथ है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये सास और बहू की जो जोड़ी है वो किस तरह से मीत के शो से जुड़ी, मतलब ऑफ स्क्रीन से कैसे जुड़ गई। मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त जो मराठी की बहुत बड़ी कलाकारा और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की थिएटर की, तो सुलभा देशपांडे जी और उनके हस्बैंड थे अरविंद देशपांडे, तो हमारे दोस्त थे, तो मेरे लिए तो मेरी ये उनकी बहू है, तो मेरे लिए तो ये बहू है, तो मेरे लिए तो इसके साथ बॉन्डिंग करने में रियल लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं और मेरे लिए भी। लेकिन सुलभा जी, सो मैंने तो माँ ही कहूँगी, मैंने सुलभा जी सुलभा ताई तो मैं कहती नहीं हूँ, क्योंकि सुलभा जी सुलभा जी और ये भी सुलभा जी है, तो एक ना बहुत अच्छा सा प्यारा सा बॉन्ड है, तो ये तो मैं उसके बचपन से जानती है। सो बहुत बहुत खुश हुए थे जब मैंने पहले पूछा था कि भाई मेरी सास का कौन कर रहा है, तो जब मुझे पता चला कि सुलभा जी है तो मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि ना ये जो हमारी बॉन्डिंग है ना ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग, और वो स्क्रीन पे दिखती है और स्क्रीन पे दिखना चाहिए, हम दोनों की जो बॉन्डिंग है ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग वो आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बाकी बच्चे भी हमारे बहुत प्यारे बच्चे हैं, और मतलब पहले दिन हम लोग सब साथ में शूटिंग कर रहे थे, तो हमें लग ही नहीं रहा हमको। फिर ये शशि सुमित जी का प्रोडक्शन हाउस जो है, उससे मैं बहुत पहले मैं एक दो सीरियल उनके मैंने किए थे, तो मैं वैसे उन लोगों से जुड़ी हुई हूँ शुरू से, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे सीरियल बनाते हैं तो अच्छा प्रोडक्शन हाउस, अच्छी टीम, अच्छे डायरेक्टर्स, तो अच्छे कैमरामैन, अच्छे टेक्निकल लोग, तो क्यों नहीं मज़ा आएगा हम लोगों को, और आपको भी आएगा डेफिनेटली। ऐसे में आपका जो लुक भी है बहुत ही रिलेटेबल रखा गया है कि आम लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाए, किस तरह से बताना चाहेंगे आप? नहीं, क्योंकि है ही हमारी सादी फैमिली ना, बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे हाई उसके है ही नहीं कि बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं और ऐसे है नहीं, तो सीधे साधे लोग, जरा भी थोड़ा सा ये फंक्शंस का माहौल है इसलिए ज़रा सा फिर भी मैं थोड़ा सा एक बेटर साड़ी पहन के वो करके, वरना तो नहीं है, तो सबको ऐसे ही लगेगा कि भैया ये तो अपने जैसे लोग हैं, ये तो अपनी जैसी फैमिली है, इसमें जो चल रहा है, इसमें जो बॉन्डिंग है, इसमें जो गिले शिकवे हैं, वो भी एक जैसे आम आदमी से रिलेट कर सकेगा मुझे लगता है। और हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली है, ऐसे भी नहीं कि खाने पीने के लाले हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, सब बचा कुचा के खुश रहते हैं, तो हम ऐसे भी नहीं दिखा रहे कि भाई दिखा रहे हैं मिडिल क्लास और हम गहने पहन रहे हैं और ये ना एक्सपेंसिव साड़ी पहन रहे, ऐसा नहीं कर रहे, तो वो हर कोई रिलेट करेगा कि भाई ये तो मेरी जैसी है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। और जैसे सुलभा जी ने कहा कि मेरे लिए भी शशि सुमित प्रोडक्शन का ये 5th शो है, मैं उनके साथ ये मेरा 5वां शो है, 2 मराठी शोज किए हैं, 3 हिंदी शोज किए हैं, सो ऐसा लगता है कि वापस घर आ गई हूँ मैं, अपना प्रोडक्शन हाउस है, लोग भी अच्छे हैं सारे।
बिल्कुल, तो हम भी यही चाहेंगे कि आपके इन कैरेक्टर्स को भी ऑडियंस उसी तरह से प्यार दे, ऑडियंस देखे और प्यार करे, हमें ढेर सारा प्यार दे और लंबा लंबा बहुत सारा प्यार दे, ताकि हम आपके यहाँ हम आपके साथ जितना ज्यादा जुड़ सके उतना अच्छा है हमारे लिए। सो प्लीज बहुत तरह से कोशिश करेंगे और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करो। बिल्कुल, कैमरामैन स्वराज दीक्षित के साथ रोशनी विश्वकर्मा आज तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।